सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं आज केदारनाथ से श्री त्रियुगी नारायण मंदिर। इस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे। ये भी बहुत ही क्वाइट और अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, ऐसा कह सकते हैं। बहुत ही कम लोग यहाँ पे आते हैं, पर आप अगर केदारनाथ आए तो इस जगह का भी ज़रूर दर्शन करें, क्योंकि ये इसकी यहाँ आने वाले जो रास्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो हम लोग अभी जाएंगे यहाँ पे दर्शन करने, आज शाम को भी और कल सुबह भी। सो लेट्स सी। सो गाइस, आज हम लोग केदारनाथ से या त्रियुगी नारायण आए हैं, जहाँ पे शिवजी और माँ पार्वती की विवाह हुई थी, शादी हुई थी, उस जगह पे आए हैं और यहाँ पे आज रुके हैं। आज शाम को और कल सुबह भी दर्शन के लिए जाना है। और इसकी बालकनी से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। Wow, it's really very amazing. So guys, ये है त्रियुगी नारायण। So guys, हम लोग हैं 7500 फीट समुद्री सतह से at त्रियुगी नारायण टेम्पल, जहाँ से बहुत ही आउटस्टैंडिंग व्यू इन पहाड़ों की, इन वादियों की दिख रही है। मेरे जस्ट आगे है हिमालयाज की पूरी रेंज। और इधर ऊंची ऊंची पहाड़ों की रेंज। सो गाइस, यह गेट त्रियुगी नारायण का। अब हम जा रहे हैं इस मंदिर के अंदर। यह है त्रियुगी नारायण मंदिर, जहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती का फेरा हुआ था। और यहाँ पे चावल चढ़ाने का विधान इसलिए है, ताकि जब माँ पार्वती का विवाह हुआ था, तब वहाँ पर राजा महाराजाएं आकर उनको साथ में जो होता है, जैसे दहेज टाइप या फिर खोइछा भरना जिसको कहते हैं, उस टाइप का, जिसको जितना सामर्थ्य था वो हर लोग उसी तरह से अपने अपने हिसाब से राजा महाराजाएं दे रहे थे पार्वती माता को साथ ले जाने के लिए। तो कलयुग में नारद जी ने उनका विकल्प बताया कि सिर्फ चावल अगर दान में देता है तो वो मोतियों के बराबर होता है। ये कुंड है, ब्राह्मण दक्षिणा सवा सवा।
आपको ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिले मुझे। गरीब ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिले। सो गाइस, अब आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जगहों के ब्लॉग्स के लिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे जगह के ब्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, सपोर्ट करें। वो बोतल ले लो, घर मार।